आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत बैक साइड का गला का डिजाइन बताऊंगी। तो जिस तरह से मैं मटका गला जो बनता है तो सेम मटका गला की तरह ही कटिंग करेंगे, लेकिन जो हमारा डिजाइन होगा तो उसी में हमारा मटका गला में ही डिजाइन होगा, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा अस्तर है, पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम दो फोल्ड कर दिए हैं और पहले हम बैक साइड का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो चौड़ाई है तो नाप से हम चौड़ाई 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए इस तरह से जो टोटल हमारा लंबाई है तो 15 लेंगे। और 15 लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा शोल्डर रहेगा, शोल्डर 7.5 इंच रहेगा। तो और देखिए ऊपर में जो हमारा शोल्डर है तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे गला लेंगे। तो जो हमारा गला होगा 3.25 इंच होगा। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा टोटल लंबाई है 10.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम 10.5 पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1/2 इंच चला जाएगा हमारा ऊपर सिलाई में और बच जाएगा यहाँ पे 3 इंच। अब इसको इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। और अब देखिए यहाँ पे जो हम बीच में ले लेंगे इस तरह से हम 4 या तो 4.5 इंच ले लेंगे। देखिए सबसे पहले इस तरह से हम गोलाई का शेप देते हुए हमको यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इसमें हमको मिला देना है। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर जो हम गला निकालेंगे 3.25 इंच पर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल निकालेंगे 5.5 लेंगे और इस तरह से। और यहाँ पे भी हम गोलाई का शेप दे देंगे 1.5 इंच का तीर का निशान लेकर। और इस तरह से देखिए पहले हम इसको मटका गला का कटिंग कर लेंगे और इसी में डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हमारा रहेगा। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और भगाकर नहीं देखिएगा। अगर भगाकर देखिएगा तो आप लोग को जो डिज़ाइन है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही आज मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल डिजाइन बताने जा रही हूँ बिना बुकरम बिना पेस्टिंग का आज हमारा डिजाइन रहेगा। तो सबसे पहले हम अस्तर को कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद अस्तर पे रखकर हम कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है जब उसको हम कटिंग करेंगे तो उसको हम गला नहीं काटेंगे और आर्म होल नहीं काटेंगे, चौका में निकालेंगे ताकि हमारा अटैच करने में अस्तर में आराम हो और आसान हो। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। डिजाइन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम डोरी लिए हैं, रेडीमेड हमारा डोरी है, गोल्डन डोरी है, गोल्डन और रेड का मिक्स है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से इसमें हम चलिए इसमें हम लटकन लगा लेते हैं। तो जो हमारा लटकन है कपड़ा का रहेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम जो हमारा यहाँ पे डोरी है इसमें इस तरह से लटकन लगा लिए हैं। तो इसी से आज डिजाइन बनेगा। तो चलिए इसको हम कट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही साथ में रखना है। और एक हमारा यहाँ पे देखिए एक हमारा स्टोन रहेगा और एक यहाँ पे हमारा डोरी रहेगा जो इसमें जो बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अब यहाँ पे गला बनाते हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से कपड़ा खिसके ना। और बाद में इसको हम यहाँ पे हम सिलाई एक लगा लिए हैं। तो ऊपर से हम शोल्डर के पास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से एक साइड में यहाँ पे हम लूपी डाल दिए हैं। और यहाँ पे अब हम देखिए बिना लूपी का एक तरफ लूपी डाले हैं। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से अब इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम पलट लें और इस पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम सिलाई पहले लगा लेते हैं। जैसे हम ऊपर से चाप सिलाई लगा दिए हैं और एक तरफ यहाँ पे हम लूपी लगाए हैं, एक तरफ हम लूपी नहीं डालेंगे। और इस तरह से देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हम डोरी है इसमें जो हम लटकन लगाए हैं तो एक को इस तरह से हम बड़ा करेंगे और एक को छोटा रखेंगे। इस तरह से रखेंगे हम, एक को बड़ा रखेंगे एक को छोटा रखेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम पकड़ लेंगे। पहले इसको ऐसे पकड़ेंगे फिर इसको इस तरह से पकड़ने के बाद ये इसको हम यहाँ पे इस तरह से
पहले यहाँ पे हम सुई से या तो फिर मशीन के सहायता से यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मशीन से सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जो हमारा डिजाइन है, तो एक तरफ इस तरह से हम यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा करके इस तरह से यहाँ पे हम इसको अटैच कर दिए हैं। और देखिए ऊपर से यहाँ पे हम स्टोन लगाएंगे। चाहे तो आप बड़ा इसे ले सकते हैं या तो फिर आप इसे छोटा भी रख सकते हैं। तो यह देखिए इस तरह से हमारा बनके तैयार हो चुका है और हमारा बैक साइड का डिज़ाइन है। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में भी हम हर तरह का अलग अलग डिज़ाइन बताते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।